हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबने गुलीवर मूवी का पहला पार्ट जरूर देखा होगा। लेकिन क्या होता है जब लिलीपुट वाले गुलीवर को एक बार फिर इनवाइट करते हैं, तो चलिए देखते हैं उसकी अमेजिंग जर्नी को। तो मूवी शुरू होती है लिलीपुट टाउन से, जहां हम उनके प्रेजेंट किंग एडवर्ड को देखते हैं और वो आज एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने आया है। वो लोगों को बताता है कि गुलीवर को यहाँ से गए 40 साल हो चुके हैं और हमारी भविष्यवाणी के अनुसार आज वो हमसे मिलने दोबारा आने वाला है। वो उन्हें गुलीवर के पुराने किस्से याद दिलाता है कि कैसे उसने अपने साइज का फायदा उठाकर टाउन की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी और साथ ही उनके दुश्मन ब्लैफुस्को को भी अच्छा सबक सिखाया था। आगे एडवर्ड बताता है कि इस बार भी वो जायंट हमारी बहुत मदद करने वाला है और ये सुनकर वो सब खुशी से नाचने लगते हैं। उसके स्वागत के लिए वो बहुत सी तैयारियां करते हैं, जिसमें एक बड़े साइज का गेट भी शामिल है और जल्द ही वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। यहीं हम मार्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो खुद भी उस जायंट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है और तभी एक गन गुलीवर के आने का इशारा देती है। सब लोग सांसें रोककर उसके अंदर आने का वेट करते हैं, लेकिन देखते हैं कि दरवाजे पर तो उनके जैसा ही एक छोटा सा इंसान है। यहाँ हम एक वीक पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ समुद्र के बीचों बीच एक कैसल बना हुआ है और अंदर उसके गार्ड्स आराम कर रहे हैं। यही एक माउस खुद को ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और तभी वो आदमी वहाँ आकर उसे आजाद कर देता है, जो असल में यहाँ चोरी करने आया है। वो शांत रहने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी का फ्लोर होने के कारण जल्द ही वो सोल्जर्स जाग जाते हैं और वो आदमी उनसे बचकर भागने लगता है। वहाँ से निकलकर वो थ्रोन रूम में आता है, जहाँ एक गोल्डन क्राउन रखा हुआ है, और इससे पहले कि सोल्जर्स उसे पकड़ पाए, वो माउस को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। तैरते हुए वो वापस अपने शिप पर आता है और हम देखते हैं कि चोरी का उसके पास बहुत सारा खजाना है। फिर वो उस माउस को अपना इंट्रोडक्शन देता है और पता चलता है कि ये आदमी ही असल में गुलीवर है और वो उस माउस को अपना दोस्त बना लेता है। तभी उनसे मिलने एक मैसेंजर वहाँ आता है और बताता है कि तुम्हारे नाम लिलीपुट से एक मैसेज आया है और वो लोग तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं। गुलीवर भी अपने शिप को उसी ओर मोड़ देता है और यहाँ से हम सीधा प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। किंग उसे देखकर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इस पर गुलीवर कहता है कि आप ही लोगों ने तो मुझे यहाँ बुलाया है और मेरा ही नाम गुलीवर है। लेकिन किंग को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो सब तो एक जायंट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और पब्लिक भी ये देखकर निराश हो जाती है। गुलीवर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे एक बहरूपिया बताकर अरेस्ट कर लेता है। आगे हम उसे रॉयल कोर्ट में देखते हैं, जहां का जज भी वो सन की किंग है और वो गुलीवर पर आरोप लगाता है कि तुमने हमारे जायंट फ्रेंड को कहीं गायब कर दिया है और अब उसकी जगह लेने यहां आ पहुंचे हो। यहीं हम ब्लैफुस्को के दो स्पाइस को देखते हैं, जो छुपकर यहां की खबर लेने आए थे, और देखते हैं कि वो जायंट असल में एक नॉर्मल इंसान है। गुलीवर अपने लिए एक वकील की डिमांड करता है, लेकिन देखता है कि वो रोल भी एडवर्ड ने ले लिया है और वो उसे मौत की सजा देते हैं। क्राउड में बैठी मार्सी को ये बात कुछ ठीक नहीं लगती और वो एक वकील का रूप लेकर गुलीवर की मदद करने आती है, लेकिन कहती है कि हमें इस आदमी को टाउन स्क्वायर में मारना चाहिए ताकि लोग इससे एक सबक ले सकें। और किंग भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। वो रात भर के लिए उसे जेल में डालने को बोलता है और सोल्जर्स उसके माउस को भी पकड़ लेते हैं। आगे का सीन ब्लैफुस्को कैसल का है, जहां हम उनके जनरल सीमो को देखते हैं और वो लिलीपुट पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। तभी उसके स्पाइस वहां आते हैं और बताते हैं कि उसे जायंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी उनकी तरह एक आम इंसान है। सीमो को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो उन्हें किंग एडवर्ड तक एक मैसेज देने को कहता है कि लिलीपुट को उनके सामने सरेंडर करना होगा, वरना हम उन पर अटैक कर देंगे। तो दोस्तों, लिलीपुट के फ्यूचर का तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आपको एनिमेशन का शौक है तो ये एडवाइस आपको जरूर हेल्प करेगी। एनिमेशन मूवीज का शौक रखने वाले उसको बिजनेस बनाकर सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए बुक समरी सुन रही हूँ, जिसका नाम है क्रिएटिविटी, और ये अवेलेबल है कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का नंबर वन ऑडियो शो समरी प्लेटफॉर्म है, जिस पर 4000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं, और मैं खुद भी ये ऐप काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। इस ऑडियो बुक को लिखने वाले हैं एडविन कैटमल, जो वॉल्ट डिज्नी को अपना आइडल मानते थे, और उन्होंने ही इस बुक के थ्रू ऐसे ही एक मैनुअल को जन्म दिया है, जिसे पढ़कर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस ऐप को 4.5 प्लस की रेटिंग्स मिली हैं, और ऐसी और मोटिवेटिंग स्टोरीज के लिए आप भी ये ऐप यूज कर सकते हैं।
इसके लिए आप मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, और ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 की है वो मेरे सब्सक्राइबर को सिर्फ 199 में मिलेगी। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लिंक पर क्लिक करिए और कुकू FM की इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स में खो जाइए। इधर एडवर्ड गुलिवर से मिलने उसकी जेल में जाता है और बताता है कि आज रात वो जेलर के रोल में है और यहाँ उसका हालचाल पूछने आया है। गुलिवर समझ जाता है कि ये एक नंबर का बेवकूफ है और बातों ही बातों में उसे कैदी का रोल करने को कहता है और बताता है कि आपकी जेल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। एडवर्ड उसके चालाकी नहीं पकड़ पाता और उसे बाहर निकाल कर खुद अंदर चला जाता है। जेल की चाबी भी वो गुलिवर को दे देता है और कहता है कि ये एक्सपीरियंस मजेदार होने वाला है। भागते हुए गुलिवर की मुलाकात मार्सी से होती है और वो देखता है कि यही कोर्ट रूम में उसकी वकील बनकर आई थी। गुलिवर उस पर नाराज होने लगता है कि तुम तो मुझे पब्लिक के सामने मरवाना चाहती थी, लेकिन मार्सी उसे समझाती है कि किंग तुम्हें उसी दिन मारने वाला था और मैं तो तुम्हें भागने का एक मौका देना चाहती थी। गुलिवर उसकी और कोई मदद लेने से मना कर देता है, लेकिन देखता है कि कैसल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तब मार्सी उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाती है और वो उससे होते हुए ऊपर टाउन में आ जाते हैं। उधर सोल्जर्स के समझाने पर किंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे जल्दी गुलिवर को पकड़ने को बोलता है, लेकिन मार्सी और गुलिवर बचते हुए टाउन से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ मार्सी उसके आगे का प्लान पूछती है और गुलिवर बताता है कि उसे यहाँ एक खास आदमी से मिलना है। मार्सी समझ जाती है कि वो अपने दोस्त फ्री लोग की बात कर रहा है और बताती है कि लोग तुम्हारी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। फिर वो दोनों फ्री लोग के पास जाने लगते हैं और गुलिवर नोटिस करता है कि यहाँ सब कुछ बहुत बदल गया है। रात को वो एक जगह कैंप लगाते हैं और मार्सी बताती है कि आग लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जल्द ही यहाँ स्नोफॉल होने वाला है। गुलिवर ये सुनकर हंसने लगता है कि भला समर में स्नोफॉल कैसे हो सकती है, और उसे इग्नोर करके वो सोने चला जाता है। सुबह वो देखता है कि हर तरफ स्नो फैली हुई है और तब मार्सी उसे इसका राज बताती है कि कैसे किंग टाइम को तेजी से गुजारना चाहता था और इसके लिए उसने एक मैजिकल ऑर्डर का सहारा लिया और किंग होने के नाते नेचर भी उसके अगेंस्ट नहीं जा पाया। तब से हर हफ्ते लिलीपुट में एक ऐसा दिन आता है जो कि पूरे एक साल के बराबर होता है और इस दिन वो लोग सभी मौसम का मजा लेते हैं और इसे ईयर डे के नाम से बुलाते हैं। इस पर गुलिवर पूछता है कि आखिर किंग टाइम की स्पीड को क्यों बढ़ाना चाहता था, और मार्सी इसका जिम्मेदार गुलिवर को ही बताती है क्योंकि उसने 40 साल बाद आने का वादा किया था, लेकिन किंग इतना इंतजार नहीं करना चाहता था और उसने ऐसा तरीका ढूंढा जिससे 40 साल जल्दी से बीत जाए। तब गुलिवर उसे बताता है कि मेरा किसी भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है और मैं तो यहाँ अपने दोस्त फ्रीलोक के कहने पर आया हूँ। फिर वो जल्दी ही फ्रीलोक के घर पहुँच जाते हैं, लेकिन गुलिवर देखता है कि वो तो पहले से बहुत बूढ़ा हो चुका है जबकि वो दोनों एक ही एज के थे, और समझ जाता है कि ये सब ईयर डे की वजह से है। फ्रीलोक भी उसे पहचाने से इनकार कर देता है और गुलिवर को ये भी पता चलता है कि मार्सी असल में उसी की बेटी है। तब मार्सी उन दोनों को अंदर चलने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीलोक ने एक मैसेज लिखकर किंग के पास भेज दिया है। गुलिवर उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीलोक कहता है कि मेरा दोस्त एक जाइंट हुआ करता था और तुम तो कोई बहरूपिया हो। तब मार्सी गुलिवर को बताती है कि उसके पिता ने लोगों को बहुत समझाया था कि गुलिवर एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन किंग और उसके लोगों ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया और मुझे बचाने के लिए उन्हें भी किंग की जॉइंट वाली बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। फिर गुलिवर अपना एक गाना गाने लगता है जो वो और फ्रीलोक साथ में गाया करते थे, और ये सुनकर फ्रीलोक उसे पहचान जाता है। तभी अचानक वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं और फ्रीलोक को बांधकर गुलिवर और मार्सी को अपने साथ ले जाते हैं, और फ्रीलोक इसके लिए खुद को दोषी मानता है। वहाँ किंग उन दोनों को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है और वो देखते हैं कि जल्लाद का रोल भी वही करने वाला है, लेकिन उस नकाब में उसे कुछ नजर नहीं आता और वो हवा में इधर उधर कुल्हाड़ी चलाने लगता है। इधर मार्सी गुलिवर से माफी मांगती है और उसे बताती है कि तुम्हें वो लेटर मैंने ही लिखकर भेजा था ताकि मैं तुम्हारी सच्चाई जान सकूं। किंग भी नकाब उतारकर उन्हें मारने आता है, लेकिन एक गार्ड उसे बताता है कि ब्लैफ उसको के स्पाइस आपसे मिलने आए हैं, और वो तुरंत उनसे मिलने चला जाता है। स्पाइस उसे सीमो की वार्निंग के बारे में बताते हैं, लेकिन किंग उन्हें ये कहकर भगा देता है कि हमारा जायंट फ्रेंड वापस आ गया है। फिर वो मदद के लिए गुलिवर को बुलाता है और उसे डील करता है कि हमारी मदद के बदले तुम कुछ भी मांग सकते हो।
गुलीवर भी इसका फायदा उठाकर अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है और उधर किंग पब्लिक को बताता है कि गुलीवर ही हमारा असली जाइंट फ्रेंड है और हमें ब्लैफ उसको से बचाने वाला है। लेकिन डार्सी नाम की लेडी कहती है कि तुम्हें इसके जाइंट होने का प्रूफ देना होगा और बाकी लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं। डार्सी उसे टाउन की दीवार और पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहती है और गुलीवर भी कुछ सोच कर इसके लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी नॉलेज से कुछ मशीन्स बनाता है और टाउन के लोगों की मदद से टूटी हुई दीवार को ठीक कर देता है। फिर इसी तरह वो बारूद से एक चट्टान को तोड़ते हैं जिसने टाउन की वाटर सप्लाई को रोक रखा था और ये देखकर लोगों को बहुत खुशी होती है। तब गुलीवर उन्हें समझाता है कि जाइंट का मतलब बड़े हाथ पैर होना बिल्कुल नहीं होता और हम अपने काम और हिम्मत से जाइंट बनते हैं, जैसे कि आप सब लोग हो जिन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी बहुत मदद की है। यहीं वो स्वाइस भी ये सब नोटिस करते हैं और सीमो को बताते हैं कि गुलीवर सबको लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। सीमो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि मेरे पास हजारों लोगों की आर्मी है और गुलीवर के लिए तो मैंने कुछ खास तैयारी की है। फिर वो अपनी आर्मी लेकर लिलीपुट पर अटैक कर देता है और ये देखकर एडवर्ड और उसके सोल्जर्स वहाँ से भागने लगते हैं। जल्दी ही सीमो लिलीपुट तक पहुँच जाता है और फ्रीलो गुलीवर को बताता है कि हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। गुलीवर भी ये देखकर सोच में पड़ जाता है लेकिन वो जानता है कि इस हाल में उसे क्या करना है। फिर वो अकेला ही सीमो से बात करने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिंगल फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ ताकि मासूम लोगों की जानों को कोई खतरा ना हो। सीमो को भी लगता है कि गुलीवर जैसे जायंट को हराकर वो फेमस हो जाएगा और ये सोचकर वो उसकी शर्त मान जाता है। फिर हम उन दोनों के बीच एक तलवार का मुकाबला देखते हैं लेकिन अपनी स्किल्स और एजिलिटी के कारण जल्दी ही गुलीवर उसे चित कर देता है और सीमो को भी अपनी हार माननी पड़ती है। सबको लगता है कि शायद अब ये जंग खत्म हो चुकी है लेकिन तभी सीमो अपने रोबोट को लेकर आता है और अंधाधुंध गुलीवर पर अटैक करने लगता है। गुलीवर भी उसके सामने नहीं टिक पाता और तभी मार्सी नोटिस करती है कि आज तो ईयर डे वाला दिन है और वो अपने डैड और गुलीवर के साथ एक प्लान बनाती है। वो सब गुलीवर को एक जायंट की तरह प्रोजेक्ट करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे मौसम में चेंज भी उसी की पावर का नतीजा है। सीमो के सोल्जर इससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और तभी अचानक वहाँ स्नो गिरने लगती है। इससे सीमो का रोबोट फ्रीज हो जाता है और फ्रीलो के हथौड़े से उसे तोड़ डालता है। सीमो को भी डरकर वहाँ से भागना पड़ता है और लोग गुलीवर का थैंक्स बोलने आते हैं। किंग एडवर्ड इस जीत का क्रेडिट लेने आता है लेकिन लोग अब उसको समझ चुके थे और डार्सी कहती है कि अब तुम हमारे किंग नहीं बन सकते और वो ये जिम्मेदारी गुलीवर से लेने को बोलती है। गुलीवर इस ट्रस्ट के लिए उनका थैंक्स बोलता है लेकिन कहता है कि मुझसे अच्छा किंग फ्रीलॉग बन सकता है और वो भी इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। आगे पता चलता है कि गुलीवर और मार्सी ने आपस में शादी कर ली है और वो अपनी एक नई जर्नी पर जाने वाले हैं। फ्रीलॉग और बाकी लोग उन्हें अलविदा बोलने आते हैं और गुलीवर प्रॉमिस करता है कि दोबारा वो उनसे मिलने जल्दी ही आएगा। एंड सीन में हम उन्हें अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और जैसा कि मैंने बताया कुकू FM ऐप को जरूर चेक करिएगा जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।